हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, टेलीविजन इंडस्ट्री की एक बहुत ही खूबसूरत हसीना का चेहरा आया है सामने। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि शिज़ैन मोहम्मद खान की यही है सीक्रेट गर्लफ्रेंड। लेकिन दोस्तों, क्या फलक नाज का है इन सब से कोई कनेक्शन? क्या उसकी कोई ऐसी क्लोज फ्रेंड है जिसका कनेक्शन शिज़ैन मोहम्मद खान के साथ है? क्या फलक की बेस्ट फ्रेंड ही है यहाँ पर शिज़ैन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड? वालिफ पुलिस में अपना बयान दर्ज कराने के लिए इंडस्ट्री की एक बहुत ही खूबसूरत हसीना पहुँची। लेकिन दोस्तों, कौन थी ये हसीना? क्यों छुपा रही थी लगातार अपना मुंह? क्यों मीडिया से बात करने को नहीं थी राजी? छुप छुप कर क्यों पुलिस स्टेशन से पीछे के रास्ते से जाने लगी थी ये हसीना? कौन है ये? बताएंगे आपको इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई। लेकिन उससे पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने व्हाट्सएप के सभी चैट्स को रिट्रीव कर लिया है, यानी कि डिलीट हुए सारे चैट्स उन्हें वापस मिल चुके हैं। ऐसे में शिज़ैन मोहम्मद खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में भी मुंबई पुलिस को पता चल चुका है। लेकिन मुंबई पुलिस ने किसी भी तरीके से सीक्रेट गर्लफ्रेंड के ऊपर ऑफिशियल बयान देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन ऐसे में दोस्तों, हाल ही में वालिफ पुलिस स्टेशन के बाहर एक खूबसूरत हसीना को स्पॉट किया गया, जो मुंह पर मास्क लगाकर, आंखों में चश्मे लगाकर, एक लंबी सी टोपी और अपने बालों को खुला छोड़कर अपने चेहरे को छुपाने की साफ कोशिश कर रही थी। और वालिफ पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराने के बाद चुपचाप पीछे के रास्ते से जाने लगी। लेकिन तभी उन्हें वहाँ एक कैमरा पर्सन ने स्पॉट कर लिया और उनसे किया सवाल कि आप पुलिस स्टेशन में क्यों आई थी? क्या आपका शिज़ैन मोहम्मद खान के केस के साथ कनेक्शन है? क्या तुनिशा केस में आपने कोई ना कोई बड़ा रोल निभाया है? लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकाला इस हसीना ने। चुपचाप फटाफट भागती हुई नजर आई, चलती हुई नजर आई। दोस्तों, शक की सुई सीधा इसी हसीना पर है। क्या कहेंगे आप? हमें अपने व्यूज कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।